नमस्कार, हमारी चुनाव यात्रा में आपका स्वागत है। और इस यात्रा की आज की श्रृंखला में आज हम आपको लेकर चलेंगे गोरखपुर। गोरखपुर का नाम, गोरखपुर का इतिहास, गोरखपुर की पहचान, सब कुछ गोरखनाथ मठ से जुड़ा रहा है। गोरखनाथ मठ नाथ संप्रदाय इस पूरे के सनातन संस्कृति का एक लंबे दौर तक केंद्र बिंदु रहा है। और ना केवल सनातन संस्कृति का, जो गोरखपुर की राजनीति है, इसका इतिहास, इसकी पहचान, लंबे समय से ये मठ रहा है। आगामी विधानसभा चुनावों में क्या फिर से गोरखपुर के महाराज जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे? गोरखपुर के लोगों के मन की राय क्या है? गोरखपुर के नुक्कड़ों, गली चौक चौराहों पर जाकर लोगों के मन की बात जानेंगे, उनकी राय अपनी इस चुनाव यात्रा में हम आपके लिए लेकर आएंगे। चाय की टपरी पे हम भी मौजूद हैं, चाय की चुस्की लेने के लिए पहुंचे हैं यहाँ पर। और इस चाय की चुस्की के संग जो तमाम युवा इस जगह पर इकट्ठा हो रहे हैं, चाय पीने आ रहे हैं, उनके मन में क्या राजनीतिक तौर पे चल रहा है? अब चुनावी दौर है तो बात ना हो गोरखपुर में राजनीति की, ये बड़ा मुश्किल लगता है। खुद जो मुख्यमंत्री हैं, उनका शहर है, बेहद राजनीतिक तौर पर सक्रिय है, पूर्वांचल का दरवाजा है, युवा क्या सोचता है उसके पास ही चलते हैं। क्या दादा, क्या लग रहा है, बन रहा है माहौल चुनाव का? कैसा क्या माहौल? बिल्कुल बन रहा है बाबा का। बाबा आएंगे इस बार, फिर बाबा आएंगे तो बाबा मुख्यमंत्री के नाते कि बाबा आपके अपने महाराज जी हैं आपके, इसके लिए काम भी, काम आपको लगता है काम किस लिहाज से? बिल्कुल बिल्कुल किया उन्होंने, काम काम किया है योगी जी ने, और वो आएंगे इस बार भी आएंगे। आपके साथी ये कह रहे हैं बाबा तो आ रहे हैं, महाराज जी आ रहे हैं। आप बताइए, गोरखपुर कितना बदला है जब से मुख्यमंत्री बने हैं? आपकी नज़र में क्या क्या बदला गोरखपुर? बहुत कुछ बदला है। अभी आप किसी भी गली में जाइए या किसी भी सड़क को देख लीजिए, सारे के सारे सड़क चौड़ीकरण हुए हैं सबके, ठीक है। एम्स हमारा स्टार्ट हो गया, काफ़ी सारे मेडिकल कॉलेजेस खुले हुए हैं, ठीक है। और आप कहीं भी आप जाके देखिए, कहीं जाम नहीं लगता है गोरखपुर में। दोनों तरफ से टू वे रोड हो चुके हैं, ठीक है। बहुत कुछ चेंजेस हुए हैं, हर जगह के विकास का बात कर रहे हैं। आप भी चाय पीने आए, हमको ये बताइए कि कैसा रहेगा बीजेपी के लिए चुनाव में? चाय मुंह जलाएगी कि मिलेगा महाराज जी आपके, जीतेंगे, क्या होगा? महाराज जी का आना तय है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई दिक्कत पैदा हो। महाराज जी बिल्कुल आएंगे, इनके काम में संतुष्टि है। महाराज जी आपके वापस आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, क्या दिक्कत? महाराज जी आए या न आए इससे हम नहीं फर्क पड़ता, लेकिन इन्होंने महंगाई बहुत बढ़ा दिया है। अभी तक जो है कभी कोई जो है मतलब साधारण सब्जी जैसे आलू नहीं, आलू जो है 30-35-40 रुपया नहीं कभी बिका था, इनके शासन काल में ये बिक रहा है। पहला महंगाई अब मान रहे भारी पड़ने वाला है सरकार के ऊपर, महाराज जी के ऊपर, बीजेपी के ऊपर महंगाई। महंगाई और बेरोजगारी दोनों भारी पड़ेगा। असर विकास का कुछ गोरखपुर में है? गोरखपुर की जनता कुछ विकास देख रही है, आपको क्या लग रहा है? जी जी, ऐसा है कि जो वर्क धरातल पर हो रहे हैं उससे जनता काफ़ी सेटिस्फाइड है। अब रहा सवाल ये है कि विकास के किन मुद्दों पर चर्चा होती है, आदमी विकास को किस दृष्टिकोण से देखता है, ये तो लोगों के अपनी नज़रिया है। जीतने का सवाल नहीं उठता है, कौन जीत रहा है, लेकिन जिसका छवि अच्छा है समाज में, सब लोग कह रहे हैं वही जीतेगा। यही तो पूछ रहा हूँ, किसका छवि अच्छा है समाज में, किसको कह रहे हैं लोग? काम लोग देख रहे हैं, काम का विस्तार है योगीनाथ के सिवा आज तक किसने किया, क्या किया, जो किया है वो पाएगा। पर्व है, एक त्यौहार जो स्थानीय स्तर पर मनाया जाता है, महिलाएं आपको दिखाई देंगी जो एक आंवले के पेड़ के नीचे बैठी हैं, जो भजन है, जो लोकगीत है वो गा रही हैं। क्या रोशनी से आया, क्या चांदनी से आया, मेरा दिल बहार बनना। क्या रोशनी से आया, क्या चांदनी से आया, मेरा दिल बहार बनना। आपके जो मुख्यमंत्री हैं, आपके शहर के हैं पुजारी, वो भी हैं, मठ के प्रमुख हैं, कितना उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद कितना कुछ बदला है आपकी? बहुत कुछ बदला है, मतलब उनके आने से हम लोग का जो गोरखपुर शहर है, मतलब समझ जाइए कितना अच्छा बदला है, कोई नामो निशान नहीं है। मतलब बच्चों का भी सबसे भविष्य बढ़िया हो गया, हर स्कूल में रोड भी सब अच्छा बन गया, हर मतलब जो है वो अच्छा बना है। ये भी तो विचार है ना कि ठाकुर और ब्राह्मणों का इस सरकार में बड़ा क्लैश बढ़ा है, मुख्यमंत्री जी की एक ठाकुरवादी छवि का भी बार बार जिक्र होता है, इसको देख के कैसे देखिएगा?
नहीं ऐसा तो कोई बात नहीं है, सब एक में मैनेज करते हैं, वो जात पात कुछ नहीं लेते हैं, सब एक ही में वो करते हैं, जात पात कुछ नहीं लेते हैं। सुरक्षित महसूस कर रहे हैं हम लोग, हर जगह रोड पे लाइट जल रही है, पुलिस तैनात है, हर जगह बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग गोरखपुर शहर में काफ़ी बदलाव आ गया। नौका विहार को ले लीजिए, पूरा लुक बदल गया। पहले वहाँ पर अंधेरा होते समय जाने में डर लगता था, अब आप लोग 10-11 बजे रात में भी हम लोग चले जाते हैं घूमने के लिए, कोई डर नहीं लगता है। तेल के दाम बढ़े, सरसों का दाम बढ़ा, इन सब बातों का भी जिक्र है, गैस के दाम का आपने जिक्र किया, तो क्या लग रहा है चुनाव पे महंगाई का असर पड़ेगा सरकार? 100 रुपया तक साग मिल रहा है, बताइए साग इतना महंगा मिल रहा है, प्याज 40-50 मिल रहा है, टमाटर 80 रुपया मिल रहा है, बताइए गरीब आदमी खाएगा 80 रुपया? नहीं खाएगा। हमारे संग मौजूद हैं इस शहर के जाने माने कुछ नाम, जो लोक गीतों को लेकर, तमाम जाने माने संगीतों को लेकर काम करते हैं, शेर व शायरी के लिए काम करते हैं। आप लोक गीत को लेकर एक भोजपुरी के बड़े जाने माने नाम हैं, क्या मन भावना है लोगों की गोरखपुर को कैसे आप देखते हैं? मैं तो अगर गीत के माध्यम से भोजपुरी में अगर कहल जा तो मैं कहूँगा कि हरिपुरवांचल में कुशीनगर देवरिया गोरखपुरवा, पूर्वांचल में कुशीनगर देवरिया गोरखपुरवा, आ गौतम बुद्ध गोरखनाथ के महिमा बड़ा मशहूर बा, आ सगरी जिला में घूमी की देखी, हो सगरी जिला में घूमी की देखी, विकास नाही अब दूर बा, सगरी जिला में घूमी के देखी। अरे फिर से जीती भाजपा लोगवन के बाई ललकार, तो देखब यूपी के घर घर भैया हो जाई गुलजार। महाराज जी के लिए तो गीत सुना दिया, कोई सपा के लिए भी गीत, बसपा और भी तो पार्टी है चुनाव में, उनके लिए भी कर्म है, कांग्रेस भी है, तो कोई ख्याल आ रहा है दूसरा गीत आ रहा है मन में? मोदी जी का फोबिया हो गया है ये। क्या फोबिया हो गया साथ? मोदी जी का फोबिया हो गया इनको, ये एक तरफा ये गीत सुना रहे हैं। गायकार महोदय से कहना चाहते हैं, यूपी में मचलबा हाहाकार, कहले रहना गड्ढा मुक्त हो जाए, लेकिन गड्ढा हो गई सरकार, अब आ गईली दीदी, अब आई सुशासन की सरकार। कहले रहना योगी जी कि गड्ढा मुक्त हो जाए, लेकिन गली गली देखा तो हर जगह ये इतना इतना गड्ढा बा, और कहले रहना कि विकास हो जाए, अब तो विकास बेडरूम तक पहुंच गई, थोड़े से बरसात में लबालब पानी भर जाता, वाह रे योगी जी वाह, अब की होई तुहार विदाई गबीरा सारा रा 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 रा। सभी लोग यही कह रहे हैं कि जीतते ही आएंगे, जीतते ही आए हैं जीत कर दिखाएंगे, जीतते ही आए हैं जीत कर दिखाएंगे, आ सभी पार्टियों को धुलाएंगे, बार बार हारेंगे, बीजेपी को जनता धूल ही चटाएगी। मोटे मोटे तौर पर जब बात होती है गोरखपुर के मुसलमानों की तो एक ये छवि निकल के आती है कि दबाए हुए कि जो शोषित हैं, उस तरीके की स्थिति मुसलमानों की गोरखपुर में बनी रहती है। मुख्यमंत्री गोरखपुर के हैं, जो मुसलमान हैं उनके इस विषय में क्या विचार रखते हैं? गोरखपुर में जो महंत जी हैं, महाराज जी हैं, उनके उसके विषय में क्या विचार रखते हैं? विचार तो दो तरीके के हैं, अपनी अपनी लोगों की अलग अलग सोच है, कुछ लोग उनके लिए अच्छा भी कहते हैं, कुछ लोग नहीं भी कहते हैं, और लेकिन बुनकर की बहुत बड़ी समस्या है, ये जो है हमेशा जो है बुनकर परेशानी में रहते हैं। गोरखपुर के लोगों की भाषा में जो महाराज जी हैं, अब तो वो मुख्यमंत्री हैं, उनका मुसलमानों से क्या संबंध है? लोग कहते हैं कि यहाँ पर दाढ़ी वाला, टोपी वाला, उसके लिए बढ़िया सुरक्षा रहती है, आपके लिहाज से क्या स्थिति है इसको लेकर, क्या लगता है मुसलमानों को लेकर? मतलब यहाँ के लिए तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, यूपी जी जो है हम लोग के मतलब परिवार से तो पहले से ये संबंध है, यहाँ के मठ से 2-3 पीढ़ियों से है। आप लोग डर कर, दब कर, चिंता में रहते हैं क्या? तमाम ऐसी बातें रिपोर्ट होती रहती हैं। नहीं, गोरखपुर के लिए तो ऐसी बात नहीं है, शुरू से ही मतलब इनका वो रहा है कि गोरखपुर में कभी ऐसा नहीं होता है। मतलब कि आप एक युवा होने के नाते, एक मुस्लिम होने के नाते कैसे सरकार, मतलब सरकार को देखें तो बहुत अच्छा काम इन्होंने किया है, खास करके गोरखपुर के लिए आप देख सकते हैं, ये एज पर कोई रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने कुछ नहीं किया है कि हाँ ये मुस्लिम एरिया है तो यहाँ डेवलपमेंट ना हो, और ये हिंदू का एरिया है यहाँ डेवलपमेंट हो।
प्रदेश में चुनाव अब बस कुछ महीने की दूरी पर हैं। चुनाव कुछ महीने की दूरी पर हैं तो नेताओं की चुनावी रैलियां शुरू हो गई हैं, जोड़ तोड़ शुरू हो गई है, गठबंधन शुरू हो गए हैं। इन सब बातों के बीच में अब देखना होगा कि इन चुनावों में ऊंट किस करवट बैठेगा, लोग किसका समर्थन करेंगे, सरकार किसकी आएगी। ये गोरखपुर से हमारी चुनावी यात्रा थी जिसमें हमने आपको बताया कि लोगों का मत क्या है। ABP News आपको रखे आगे।